चलो चलो खाली हो जाओ, खींचो भैया। फोटो लगाइए भैया, चलो आज अब काटने गए केक का। चलो अभी हम कहीं देर बन गए कई डो भाई कटो कई। अरे डेली काम रानू रानू भैया। क्या नाम है सर आपका? विनय यादव। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने जो ये फंक्शन किया है कि माननीय नवाब सिंह यादव जी का जो आपने जन्मदिन मनाया है, और इसके साथ में कोई मुद्दा है आपका या कोई मंशा है? इस तरीके से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों की भीड़ है यहाँ पे, क्या मामले हैं कुछ बताइएगा। पहले तो हम सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं माननीय नवाब सिंह यादव जी को। जी मैंने फोन पर उनको बधाई दी। तो माननीय नेताजी का एक ही उद्देश्य है जी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। उनका उद्देश्य है कि दलित पिछड़े जी समाज के लिए संघर्ष करना। उन्होंने कहा जन्मदिन मनाना अच्छी चीज है, लेकिन उस जन्मदिन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि कन्नौज जाके, तो उन्होंने कहा नहीं, आदर्श बनाइए जी, लड़ाई लड़िए अन्याय के खिलाफ। जो आज की मोदी सरकार, योगी सरकार जिस तरीके से आज अन्य समाज के लोगों को एनकाउंटर के रूप में या बेरोजगार, इन मुद्दों को लेके हम लोग, जन्मदिन मनाना कोई हर्ष नहीं, लेकिन हम लोग समाजवादियों को संघर्ष करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। माननीय नेताजी माननीय नवाब सिंह यादव जी का जन्मदिन हम समाजवादियों ने मिलकर मनाया, और चौधरीपुर के सभी लोग, हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग, सभी लोग आए, माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाया। और सिर्फ एक उद्देश्य है जन्मदिन का, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना और संघर्ष करना। जैसे कि अन्याय के खिलाफ जो आप बता रहे हैं, सरकार का कोई ऐसा एक मुद्दा मुझे बताइएगा ताकि समाज को सरकार में क्या क्या अन्याय, जैसे कि आपने अभी और पीड़ा अपना दर्द बताया कि हमें इसी तरीके से अन्याय, तो अन्याय जो सरकार कर रही है, अन्याय जो है, पुलिस का भी आपने नाम लिया, पुलिस से क्या परेशानी है, सरकार से क्या परेशानी है, क्या हमें कुछ बताएंगे आप? सबका साथ सबका विकास लेके जो मोदी और योगी सरकार ने भारत पे कब्जा किया जी, वो तानाशाह जो दलितों पिछड़ों पर जी, खासकर यादव और मुसलमानों को जो टारगेट बना के किया जा रहा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं। माननीय नेताजी नवाब सिंह यादव संघर्ष करते हैं, उनके आदर्शों पर चलना। हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, हम लोग सिर्फ अन्याय के खिलाफ, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कूच किया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जन्मदिन मनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सब लोगों को एक करके सिर्फ अन्याय के खिलाफ, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना और संघर्ष करना। जैसे कि अभी आपने एक बात जो कही कि जो अन्याय हो रहा है, जो टारगेट बनाया जा रहा है यादवों को और मुसलमानों को और पिछड़ी जातियों को और सभी को, तो टारगेट में मतलब टारगेट का हम आपसे जानना चाहेंगे कि टारगेट, जैसे कि टारगेट हमारे साथ में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अरुण यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष लोहियाबाई यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो टारगेट जो आपने बताया कि टारगेट मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से टारगेट बना रही है अपना, मतलब उसकी मंशा क्या है? योगी सरकार, योगी जी राम राज्य की जो एक तस्वीर है, जैसे कि हम जगह जगह देख रहे हैं लोगों का विरोध जारी है, लोग प्रताड़ित हैं, आखिर आप लोग जो प्रताड़ना अपनी बता रहे हैं वो क्या है, विरोध क्या है? देखिए इसमें विरोध यही है, जैसे पुष्पेंद्र यादव मारा गया जी, है ना, तो पुष्पेंद्र यादव पे अभी तक ये नहीं खोल पा रहे हैं कि उस पर मुकदमा कितने, कहीं उसको भूमाफिया बताते हैं जी, कहीं उसको बदमाश बताते हैं जी, तो ये कि प्रताड़ना तो है जी जी जी, है ना, तो ये गलत है जी, ऐसा न होना चाहिए जी। और ये लोग बलात्कारी की मदद करते हैं जी, लूटखोरों की मदद करते हैं, चिमिन्यानंद अस्पताल में एसी में रहते हैं जी, जो लड़की प्रताड़ित होती है जी, वो जेल जाती है, है ना जी, योगी के साथ उसकी फोटो होती है, अभी उन्नाव वाला केस देख लीजिए जी जी, है ना, तो ये सब बहुत गलत बात है, इसके हम लोग विरोध में जी। और कोई मामला है आपका जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, समाज में बताना चाह रहे हैं, कुछ बताएंगे? अब इसका तो एक मामला हो तो पब्लिक के सामने रखना, और पब्लिक के सामने पब्लिक सब कुछ जानना है जी, है ना, हमारे लोग, हम लोग किसान आदमी हैं, सब लोग देखते हैं, अरे कितना चारागाह है, कहीं पे आप गौशाला बनवाओ,
कहीं पे आवारा जानवर धंधवाओ बंधवाओ, रात रात किसान जाग रहा है, रात रात आदमी जो 10-10, 20-20 बीघे मक्का बोता था, आज उसके घर में मक्का 10 क्विंटल नहीं हुई है। हेलो, ये सब क्या है, ये बर्बादी तो है किसान। हेलो जी, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कि जैसा कि हमने चौधरीपुर में देखा कि चौधरीपुर में ग्रामवासियों ने जहां पे बिठूर के कई नेता विभिन्न पार्टियों से आए और उन्होंने कन्नौज के माननीय नवाब सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया, उस जन्मदिन में सिर्फ उनकी मंशा यही थी कि सरकार की जो योगी सरकार की रामराज्य की जो नई तस्वीरें आ रही हैं, कि जैसे कि अभी अरुण जी ने ही अवगत कराया, अभी अरुण जी ने ही बताया कि योगी सरकार में जो पुष्पेन जी का मर्डर हो गया, पुष्पेन जी की हत्या की गई, पुष्पेन जी के ऊपर कोई भी एक मुकदमा नहीं था, धारा 151 का भी कोई मुकदमा नहीं था, इसके बावजूद भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया पुष्पेन्द्र यादव का। इसके साथ ही साथ उनकी पीड़ा ये है कि आप देख लीजिए स्वामी चिन्मयानंद को देख लीजिएगा कि एसी में वो रहते हैं और जिस रेप पीड़िता को जेल भेज दिया गया, इसी प्रकार से उन्होंने उन्नाव कांड के बारे में भी यही कहा। यानी कि योगी सरकार की जो तस्वीर है रामराज की दिखाई दे रही, जनता के अंदर कितना आक्रोश है। आज यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए हैं गांव में, जो जन्मदिन का एक मोहरा बनाया इन्होंने, लेकिन अपना दर्द मीडिया के सामने इन्होंने अपना मीडिया के सामने दर्द अपना उजागर किया है। YMS न्यूज के ब्यूरो चीफ खान।